हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ। टॉपिक का नाम है ग्रुप ऑफ 20, जिसको G20 भी कहा जाता है। चैप्टर का नाम है टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। द ग्रुप ऑफ 20, जिसको G20 भी कहा जाता है, इज एन इंटरनेशनल फोरम दैट ब्रिंग्स टूगेदर द वर्ल्ड्स 20 इंडस्ट्रियलाइज्ड एंड एमर्जिंग कंट्रीज। तो जो वर्ल्ड की टॉप 20 इंडस्ट्रियलाइज्ड एंड एमर्जिंग कंट्रीज है, एमर्जिंग इकोनॉमीज है, उनको मिला के 20 कंट्रीज का ये ग्रुप है। इट वॉज क्रिएटेड इन 1999 एज एन एक्सपेंशन ऑफ G8। G8 को और ज्यादा 1999 में एक्सपेंड कर दिया गया और G20 तक ले गए। ठीक है, G8 भी है, G20 भी है। ठीक है, मेंबरशिप ऑफ G20 कंसिस्ट ऑफ 19 इंडिविजुअल कंट्रीज, जिसमें कि आ जाता है अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कैनेडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रशियन फेडरेशन मतलब रशिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, टर्की, यूके एंड यूएसए एंड यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन भी इसका एक पार्ट है। G20 रिप्रेजेंट्स द 2/3 ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन। 2/3 पॉपुलेशन है वर्ल्ड की G20 के अंदर। ठीक है, इट इज अ फोरम ऑफ मेंबर नेशंस टू डिस्कस की इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल इश्यूज रिलेटेड टू ग्लोबल इकोनॉमी। तो इसमें जो भी मेंबर कंट्रीज हैं या मेंबर ऑर्गेनाइजेशन जैसे EU वगैरह वो आते हैं और जो भी ग्लोबल इश्यूज हैं या फाइनेंशियल इश्यूज हैं उस पर डिस्कशन की जाती है। G20 aims to discuss policy pertaining to the promotion of international financial stability so as to promote global economic growth, international trade and financial market. बेसिकली यहाँ डिस्कशंस की जाती हैं कि भाई इंटरनेशनल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कैसे लाई जाए, ग्लोबल इकोनॉमिक सिक्योरिटी कैसे रखी जाए, वर्ल्ड को ग्रो कैसे किया जाए, ट्रेड कैसे बढ़ाया जाए, फाइनेंशियल मार्केट्स कैसे अच्छे से कंट्रोल की जाए। इन द समिट ऑफ G20 द हेड्स ऑफ द स्टेट एंड गवर्नमेंट्स मीट एनुअली। G20 में जो हेड ऑफ द स्टेट्स हैं वो आपस में आके मिलते हैं, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, जो भी हेड ऑफ द स्टेट होता है कंट्री का। देर इज अ सेपरेट एनुअल मीटिंग ऑफ द फाइनेंस मिनिस्टर्स एंड गवर्नर्स ऑफ सेंट्रल बैंक्स विच प्रिपेयर द लीडर्स सबमिट एंड इम्प्लीमेंट देयर डिसीजंस। एक अलग से सबमिट भी किया जाता है, एनुअल सबमिट, जिसमें फाइनेंस मिनिस्टर या गवर्नर ऑफ सेंट्रल बैंक्स होते हैं, वो आपस में मिलते हैं डिफरेंट कंट्रीज के और रेगुलर डिसीजन मेकिंग और इम्प्लीमेंटेशन को डिस्कस करते रहते हैं। द G8 सीक्स कॉपरेशन ऑन इकोनॉमिक इशूज फेसिंग मेजर इंडस्ट्रियल इकोनॉमीज, वाइल G20 का मेन मकसद क्या है, इट रिफ्लेक्ट्स द वाइडर इंटरेस्ट ऑफ बोथ द डेवलप्ड एंड द एमर्जिंग इकोनॉमीज। जो G8 है वो बेसिकली मेजर इंडस्ट्रियलाइज्ड इकोनॉमीज की कॉपरेशन को दिखाता है और G20 में इमर्जिंग इकोनॉमीज भी आ जाती हैं जो अभी रिसेंटली डेवलप हो रही हैं, लाइक इंडिया। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।